हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं विद्यालय नेतृत्व की समझ की प्रश्नोत्तरी। देखिए, ये प्रश्नोत्तरी मेरे अनुसार 100% सटीक है और सही है। इसके मैं आपको जो है प्रूफ भी दिखाऊंगा और स्क्रीन शॉट भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी को हल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। परेशानी क्या है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ऐप की या दीक्षा पर, क्योंकि ये कोई भी प्रश्न को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमको। तो इसलिए आप इन प्रश्नोत्तरी को जो असाइनमेंट है उसमें करके आप सेंड कर सकते हैं। तो ये मेरे अनुसार 100% करेक्ट आंसर हैं और मैं आपको इनके वीडियो में जो स्क्रीनशॉट हैं जो इसमें बताया गया है प्रशिक्षण में, वो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरी देखें, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की जो विद्यालय नेतृत्व की समझ की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, पुराने अनुभवों को कई परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो ये जो प्रश्न है इसे हमें टाइप करना है, ये पुराने अनुभवों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना लर्निंग एजिलिटी कहलाता है, जिसे सीखने की दक्षता भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम भरते हैं एल ई ए आर एन आई एन जी लर्निंग एजिलिटी, ए जी आई एल आई टी वाई लर्निंग एजिलिटी। पुराने अनुभवों से सीखने को ही लर्निंग एजिलिटी कहते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो ट्रेनिंग में जो दिखाया गया था मटेरियल में, उसके प्रूफ के साथ ये है इसका आंसर कि पुराने अनुभवों से सीखने के लिए सीखने की प्रक्रिया को ही लर्निंग एजिलिटी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो इसमें दिया है प्रशिक्षण में, वो यह है कि अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एस टी आर यू सी टी यू आर ई स्ट्रक्चर्स, ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसका प्रूफ देखिए, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रभाव क्षेत्र इन्फ्लुएंस के परिपेक्ष में 3H क्या है। 3H हैं लॉजिकल अपील्स, इमोशनल अपील्स एंड कोऑपरेटिव अपील्स। तो इसमें आ जाएंगे नंबर 1 लॉजिकल अपील्स, ए डबल पी ई ए एल
एस। दूसरा हो जाएगा इमोशनल अपील्स, EMOTIONAL, इमोशनल। इमोशनल अपील्स। तीसरा हो जाएगा कोऑपरेटिव अपील्स। COOPERATIVE, कोऑपरेटिव अपील्स। ये इसके थ्री हो गए। इसका देखिए जो प्रशिक्षण में दिया है इसका 3H के बारे में ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब है सही क्रम में लिखिए, क्लियर थिंकिंग, एक्सप्रेस योर आइडिया, शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। ये कम्युनिकेशन के बारे में है, कम्युनिकेशन के चरण हैं कि कौन सा किस तरह से हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्लियर थिंकिंग, फिर एक्सप्रेस योर आइडिया और फिर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे क्रम वाइज हैं, इनमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर थिंकिंग पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे एक्सप्रेस योर आइडिया आएगा और फिर आएगा शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ आंसर का प्रूफ के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, सेल्फ अवेयरनेस कितने प्रकार की होती है? तो सेल्फ अवेयरनेस दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ भर देंगे टू टाइप्स। दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है इसे भी हम बता दें। नंबर वन इंटरनल, इसे ऐसे कर लेते हैं। जिसमें नंबर वन इंटरनल, इंटरनल एंड नंबर टू एक्सटर्नल। इसका भी प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आप कौन सी कमजोरी को दूर करना चाहेंगे? तो ये अपने पर्सनल सबका अलग अलग हो सकता है, किसके अंदर क्या कमजोरी है, किसके अंदर क्या कमजोरी है। तो मैं अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कमजोरी को दूर करना चाहूँगा।
इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं संप्रेषण की समस्या या संप्रेषण की कमजोरी को। संप्रेषण की कमजोरी को दूर करना चाहेंगे या चाहूंगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका क्या है? तो एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को अपने विद्यालय विद्यालय में अपने सहयोगियों को प्रभावित करते हुए बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से सीखने सिखाने सीखने सिखाने सीखने सिखाने का वातावरण तैयार करना चाहिए। तैयार करना चाहिए। इसका आंसर ये हो गया। मतलब एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को अपने विद्यालय में अपने सहयोगियों को प्रभावित करते हुए बेहतर तरीके से सीखने सिखाने का वातावरण तैयार करना चाहिए। इसका ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार एक सफल नेतृत्वकर्ता के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है? पावर, अथॉरिटी अथवा इन्फ्लुएंस? तो इसका सही आंसर है इन्फ्लुएंस। एंड इसका मैं प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। आंसर सही 100% यही है। देखिए ये इसका प्रूफ है, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको लगता है कि नेतृत्व के गुण को विकसित किया जा सकता है? यह एक जनजात क्षमता है। तो जी हाँ विकसित किया जा सकता है। विकसित किया जा सकता है।
विकसित किया जा सकता है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको प्रूफ के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस आंसर का जो प्रूफ है उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, आपके अंदर नेतृत्वता के रूप में कौन सा गुण सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक गुण मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, जिसे हम आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने 10 प्रश्नों के आंसर दिए हैं। 100% ये आंसर सही हैं मैं मानता हूँ, और मैंने इनके प्रूफ भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो है आपको आंसर पसंद आए होंगे। अगर आंसर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।